राजस्थान का बना हुआ लोहा अब आरा में बिक रहा है, लोहे के बर्तन आरा में बिक रहे हैं। मेरे पीछे ये तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले लोहार हैं, जो कि खुद को महाराणा प्रताप के कुल खानदान का बताते हैं। ये पिछले 10 दिनों से आरा में जमे हुए हैं और यहाँ पर अपना बाजार बर्तन का लगाए हैं। इनके बर्तन का खासियत ये है कि जितने भी ये बर्तन है, राजस्थान का बना हुआ लोहा अब आरा में बिक रहा है, लोहे के बर्तन आरा में बिक रहे हैं। मेरे पीछे ये तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले लोहार हैं, जो कि खुद को महाराणा प्रताप के कुल खानदान का बताते हैं। ये पिछले 10 दिनों से आरा में जमे हुए हैं और यहाँ पर अपना बाजार बर्तन का लगाए हैं। इनके बर्तन का खासियत ये है कि जितने भी ये बर्तन है वो सारे इनके हाथ से बनाए हुए हैं। ये खुद कहते हैं कि हैंडमेड है, हाथ से बनाया हुआ है। इसमें आयरन भरपूर है और इस बर्तन में अगर कोई खाना खाता है तो उस खाने के माध्यम से आयरन भी उसको मिलता है। इनका कहना है कि ये बर्तन बाकी अन्य जगहों के लोहे से और इसका लोहे में काफी अंतर है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है। और दूसरी चीज, ये हाथ से बनाए हुए है। इतना ही नहीं, इस बर्तन की खासियत ये है कि जो इंडक्शन चूल्हा हमारे यहाँ होता है उस पर भी ये हाथ से बनाए हुए बर्तन काम करते हैं। ऐसे तो आमतौर पर इतने महंगे महंगे इंडक्शन के बर्तन आते हैं वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन ये हाथ से बने हुए सिर्फ 200-300 के बर्तन जो हैं लोहे के, वो इंडक्शन पर भी काम करते हैं। आप सोच सकते हैं कि इनके हाथों में कितनी कलाएं होंगी कि मशीन पर भी इनके हाथ से बनाए हुए बर्तन काम करते हैं और इनके बर्तन बनाए हुए बर्तन से आयरन भी मिलते हैं। ये आयरन वाला लोहा है और इसमें ज्यादा जंग नहीं बैठता, थोड़ा सा मांझू साथ निकलेगा। मजबूती अच्छा है और ये टेबल लोहे का है, कोई मिक्स नहीं है, आयरन वाला है। हाथ से बना हुआ है, हाथ का बना हुआ है। और कई बर्तन इसमें इंडक्शन पे भी चलने वाला है और गैस वाला भी है। जो इंडक्शन पर चलने वाला बर्तन है वो भी हाथ से बना हुआ है, हाथ का बना हुआ है और सब कुछ हाथ से, वो पेवल लोहा है, कहीं भी आप जांच करवा सकते। ये बर्तन आप लोग यहाँ बनाते हैं या फिर कहीं और बनाते हैं? हम घर से बनाते हैं, घर से बनाते हैं, फिर ले आते हैं, बेचते हैं। और कैसे कैसे आप लोग कहाँ कहाँ रुकते हैं, मतलब कितने दिन तक रुकते हैं? कोई जगह 15 दिन, कहीं 1 महीना, कहीं अच्छा धंधा चलता 2 महीना, जैसे सिटी के हिसाब से। पूरा परिवार एक साथ ही रहता है? हाँ, एक साथ भी रहता है और कई लोगों का माल बिक जाता तो घर भी चले आते हैं। हाँ, और कई का नहीं बिकता, थोड़ा कम रह आता तो रुकते हैं, बेचते हैं। इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले हम पटना में थे। और इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके पहले हम रांची में थे, रांची के बाद फिर पटना, पटना के बाद यहाँ गया जी। अब कहाँ जाएंगे? अब घर जाएंगे बस। कितने दिन हो गए यहाँ पर? यहाँ होगा मैं 18-19 दिन हो गए। कुछ भी नहीं है बाबू जी, ये हम बनाते हैं, पीट पीट के बनाते हैं भाई साहब। अच्छा, पीट? हाँ। और ये लोहे लाते, कोयले लाते, मालिक को पहुँचा देते, बच जाते तो खा लेते, नहीं तो सो जाते गामो गाम। धंधा नहीं चला तो आगे गए, आगे नहीं चला तो फिर आगे गए। ऐसे सरकार कुछ हमारी सहायता करो, हम कब तक भटकेंगे? बच्चे बच्ची पढ़ा लिखे भी नहीं है। ये देखो, ये हाथ से पीटा हुआ बर्तन कितने में बनाती है, कितने में बिकती है? अब बिक जाता है 200 का 250 का। बस बनाने में खर्च कितना आता है? खर्च तो उतना ही आता है, कुछ 10-20 रुपए मिलता है, कितने ही। यहाँ पर धंधा क्या? इनका कहना है कि ये हर जगह 1 महीना 15 दिन 2 महीना जाते हैं, अपने बाजार को लगाते हैं, जैसे धंधा होता है वैसे वहां पर रुकते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल में ये मध्य प्रदेश के भोपाल में अपना घर बना लिए हैं और वहां पर रह करके ये देश के, पूरे भारत के अन्य अन्य राज्यों में जाते हैं, अन्य जिलों में जाते हैं और अपने जीविका चलाते हैं, भरण पोषण करते हैं। न्यूज 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।